नितिन हीरो के ओनर सुनील अग्रवाल का कहना है कि पूस के माह में पहली बार दोपहिया वाहनों की बुकिंग धड़ल्ले से हो रही है। लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इससे लोगों में काफी उत्साह है। यही वजह है कि लोग 22 जनवरी को दोपहिया वाहनों की बुकिंग कराकर उसी दिन बाइक अपने घर ले जाना चाहते हैं। वैसे तो पूस का माह चल रहा है, इस माह में बिक्री कम होती है और जिस दिन मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ आपको, वो 11 तारीख का दिन है। अभी पूस खत्म होने में काफ़ी समय है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को लोगों ने बुकिंग कराना शुरू कर दी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरह से लोग अपने बच्चों की डिलीवरी कराने की सोच रहे हैं, वैसे ही वाहनों की डिलीवरी भी 22 तारीख को लोग सोच रहे हैं कि इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन, इससे बड़ा धर्म का शास्त्र का दिन नहीं आएगा। यही वजह है कि शोरूम पर इसमें भीड़ देखी जा रही है। आप देखें यहाँ पर तमाम लोग जो है बुकिंग कराने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग यहाँ पर देखिए सब खड़े हुए हैं, इनका कोई ना कोई क्वेरीज है इनके सबकी वाहनों के लेकर के। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, वैसे इन महीनों में दो लोग भी नहीं दिखाई देते वाहनों के ऊपर। अब यहाँ भी देखें लोग जो है बैठे हुए हैं अपने वाहनों के लिए, ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको इधर दिखाते हैं हम, इस तरफ भी देखिए शोरूम पर 22 तारीख के चीज़ों को जो है करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे हम पूछेंगे भी जो है कि क्या आप लोग बुकिंग कराने आए हैं क्या? जी सर। अच्छा, तो अभी तो पूछ चल रहा है, अभी क्यों करा रहे हैं? अभी बुकिंग करा रहे हैं ना सर, 22 तारीख को लेंगे। अच्छा, 22 को क्या है ऐसा? 22 को आपको तो पता ही है सर, अयोध्या में अच्छा मंदिर की स्थापना हो रही है, वो दिन खुशी है। तो और किसी दिन करा लो तो? नहीं सर, उसी दिन लेनी है। अच्छा, उसी दिन लेनी है। जी सर। अच्छा, तो देखिए इन लोगों की इतनी खुशी है कि लोग कहते हैं कि वाहन हम जो है 22 को ही लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है, वाहन लेने के लिए आए आप लोग? जी। क्यों? किस तो अभी तो पूछ चल रहा है, अभी पूछ का माह खत्म ही नहीं हुआ। अभी पूछ माह वैसे खत्म होने वाला है, बाकी हमारी इच्छा जो है हम लोगों ने डिसाइड किया है, पहले हम दिवाली पर लेते थे, अब 22 जनवरी को हम लोगों की लेने की इच्छा है, क्योंकि 550 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मस्थली में पधार रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं ऐसे शुभ दिन पर ऐसा शुभ कोई कार्य करें, तो उस शुभ कार्य के लिए हम लोगों को बाइक लेने की सोची है। अच्छा, तो 26 जनवरी क्यों नहीं ले रहे हो? 26 जनवरी भी ऐतिहासिक दिन है। नहीं, ऐतिहासिक दिन है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, पर 550 वर्ष बाद जो हमें हमारे बुजुर्गों को इंतजार था, आज वो सपना पूरा होने वाला है, तो हम लोगों ने तय किया है कि 26 जनवरी को नहीं, हम 22 जनवरी को ही बाइक लेंगे। मतलब ये आस्था है आप लोगों की 22 को, उत्सव समारोह मना रहे हैं? बिल्कुल, जश्न मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, देश दिवाली की तरह इसको मना रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई एक यादगार ऐसी चीज़ जाए जो जिससे कि हम जब भी उसको चलाएं या देखें तो हमें भी याद रहे कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने जन्मस्थली में पधारे थे। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कस्टमर है उनका कहना है कि 22 जनवरी से बड़ा शायद ही देश में कोई ऐसा दिन हो जिस दिन लोगों को अपने वाहनों की या किसी भी बड़ी चीज़ों खरीदारी करने में उनको अशुभ माना जाए। 22 जनवरी भगवान रामलला अपने गद्दी पर अपनी जगह पर विराजमान होंगे, जो 550 सालों से लगातार टेंट और गड्ढों में रह रहे थे, अब ऐसा दिन आया है, इसी खुशी में लोग जश्न और दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोग पूस के माह में भी वाहनों की बिक्री के लिए, वाहनों की खरीदारी के लिए 22 तारीख की डिलीवरी चाहते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.